हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सी काउल स्लीप बनाकर दिखाऊंगी। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। तो इस स्लीप को बनाने के लिए देखिए, मैंने फैब्रिक ले रखा है। मैं आपको सिंगल स्लीप बनाकर दिखाऊंगी। तो मैंने 20x20 इंच का फैब्रिक लिया है। लेंथ ऑफ विड्थ इसकी 20 इंच रहेगी। तो देखिए, इस तरीके से हमने 20x20 का ले लिया फैब्रिक। इसके बाद हमें इसे ट्राइंगल शेप में इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए, यहाँ से हमने फैब्रिक को पकड़ा, इसके कॉर्नर्स को, और इस तरीके से हमें एक तिकोना सा शेप कर लेना है इस तरीके से। अब जितनी भी मार्किंग होगी वो फोल्डेड साइड से होगी। तो देखिए, इस तरीके से फैब्रिक लेने के बाद हमें सबसे पहले इसका बॉटम लेना है। आपकी जितनी भी स्लीप का बॉटम रखना हो उसके हिसाब से आप रखिए। तो मैंने 5 इंच रखा है। आपको जितना भी बॉटम रखना हो उसका उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिएगा। तो देखिए, इसके बाद हमें स्लीव की जो लेंथ लेनी है तो मैं 10 इंच पे रखूँगी। इस तरीके से निशान लगाना है। यहाँ से हम आर्म होल का राउंड लेंगे तो 8 इंच में रखूँगी। आपका जितना भी हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने निशान को हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हम जैसे नॉर्मल स्लीव की मार्किंग करते हैं, ये यहाँ तक उतना मतलब सेम ही होगा जैसे हम नॉर्मल स्लीव की मार्किंग करते हैं। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे डाउन। जो हम स्लीव का यहाँ से शेप देते हैं वो है ये। यहाँ से हमें देखिए शेप देना है। देखिए, इस तरीके से हमें स्लीव का शेप दे देना है। देखिए, मैंने शेप दे दिया। इसके बाद जो बॉटम है वहाँ साइड पे हमें यहाँ से लेंगे हम 4 इंच का हमें बॉटम चाहिए स्लीव का, और 1 इंच इसमें हमने मार्जिन ले रखा है। तो इसके हिसाब से ही आप निशान लगाइएगा। तो देखिए, यहाँ से रखा हमने, निशान को मिला देना है इस तरीके से। ये हमारा, ये मेरे सिलाई का मार्जिन, ये सिलाई होगी हमारी इस पर, और एक इंच इसमें मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है। और देखिए, इस तरीके से हमने स्लीव की मैंने मार्किंग कर ली है। इसके बाद जो हमें काउल बनाना है वो देख लीजिए। यहाँ ऊपर साइड से मैं 11 इंच फैब्रिक लूँगी। अब जो इसका कॉर्नर है आप चाहे तो 1.5 इंच या फिर 2 इंच भी यहाँ से निशान लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको 1.5 इंच पर रख के इस तरीके से एक निशान लगा लेना है। देखिए, इस तरीके से मैंने 1.5 इंच पे रखा और निशान लगा लिया। इसके बाद जो हमने निशान लगाया है स्लीव का, जो हमें शेप दिया हुआ है वहाँ से हम देख लेंगे इसे कितना है ये फैब्रिक हमारा, क्योंकि इसमें ही हमें काउल बनाना है। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसके ऊपर इस तरीके से शेप दूंगी। नीचे साइड पे थोड़ा सा राउंड शेप देना है, बाकी इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। देखिए, इसको हम इस तरीके से ऊपर से निशान को ले के आएंगे, और जो हमने निशान लगाया था वहाँ पर हमें ये मिला देना है। तो इस तरीके से ये हमारी स्लीव बनेगी। यहाँ साइड से देख लीजिए, ये हमारा पूरा 15 से 16 या 17 इंच तक आएगा। इसमें हमें 4 से 5 कॉल बनेंगे जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। देखिए, ऊपर से हमें 2 इंच पे रखा, इस तरीके से सीधा निशान लगा लिया, 2 इंच लिया हमने ऊपर से, और यहाँ से हमने ये शेप दे दिया। इसमें अब बस कुछ भी नहीं करना। इसमें हम जो पेपर पर बनाते हैं उसमें थोड़ा टफ सा लगता है, इसलिए मैं आपको बहुत इसी तरीके से बता रही हूँ फैब्रिक पे ही सीधे। इसमें टाइम की भी बचत होती है और आपको ये समझ में भी आ जाएगा। अब हमें क्या करना, देखिए, ऊपर साइड से जो हमें ऊपर साइड से हम 2 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे, 2 पे लगाया, फिर 3 पे निशान लगाया। इसके बाद हमें 4 पे नहीं लगाना, 5 पे रखेंगे, फिर 6 पे निशान लगाएंगे, फिर 7 पे हमें निशान नहीं लगाना। इस तरीके से हमें 2-2 इंच पे रख के निशान लगाते जाएंगे। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ से हम 11 पे रखेंगे, 12 पे निशान लगाया, 13 पे हमें निशान नहीं लगाना, 14 में लगाया, 15 पे लगाया। तो इस तरीके से हमें निशान लगाना है। ये बहुत इजी मेथड है, बस इसको आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, 2-2 का पेयर रहेगा और 2 इंच हमें छोड़ छोड़ के निशान लगाना है। मैं देखिए, इस तरीके से हो गया। मैं एक और बार आपको समझा देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जो हमने मेजरिंग टेप रख लेनी है, हमें ऊपर साइड से देखिए रखेंगे हम यहाँ पे मेजरिंग टेप को ऊपर साइड पे। तो पहले हम निशान जो हमारा 2 इंच पे रहेगा और 3 इंच पे रहेगा, हमें 4 इंच पे निशान नहीं लगाना। फिर हम 5 पे लगाएंगे, 6 पे लगाएंगे, 7 पे हमें निशान नहीं लगाना, 8 पे लगाएंगे, 9 पे लगाया, फिर 10 पे हमने नहीं लगाया। इसी तरीके से हमें ये निशान लगा लेना है। देखिए, इस तरीके से निशान लगा लिया। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, जैसे हमने निशान लगाया है उस पर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए, ये बहुत ही इजी से बन जाता है जो कॉल स्लीव होती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। देखिए, ऊपर से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, इसे मैंने कट कर लिया है। अब हमें इसे क्या करना, हम इसे ओपन नहीं करेंगे,
बन जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे हमें इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने, जो हमने निशान लगाया है उस पे ही हमें कट लगाना है, एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं करना। देखिए इस तरीके से हमें इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, इसे ओपन कर लेना है इस तरीके से। अब हमें इसमें कॉल बनानी है, तो कॉल के लिए देखिए इस तरीके से हमें फैब्रिक को, मतलब जो हमने फर्स्ट और सेकंड था उसे हम नहीं लेंगे, थर्ड वाला जो हमारा कट था उसको हम लेंगे और फर्स्ट वाले कट के पास इस तरीके से रखेंगे। ये आप देख सकते हो, इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे हम इसे पिनअप कर लेंगे। मैं आपको दूसरे साइड से जहाँ पे चौक लगा है उधर साइड से मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए फर्स्ट सेकंड हमें नहीं लेना, थर्ड वाले निशान को हम पकड़ेंगे और थर्ड वाले निशान को हमें फर्स्ट वाले निशान पे रखना है। देखिए इस तरीके से रखा, थर्ड वाले निशान को लेके फर्स्ट वाले के ऊपर रखा इस तरीके से, और यहाँ पे हमें इसे पिनअप कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पिनअप कर लेती हूँ पहले। देखिए यहाँ से हमने इसे पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद फिर हमें क्या करना है, इसी इतनी जो गैपिंग बचेगी फिर हमें फर्स्ट निशान को नहीं लेना, सेकंड वाले निशान को हम इसके ऊपर रख लेंगे जो हमने बनाया है उसके ऊपर, हम इसके ऊपर रख के यहाँ से इसे पिनअप कर लेना है। फिर ऐसे ही हमें फर्स्ट निशान को नहीं लेना, सेकंड निशान को हम लेंगे और हमें इसके ऊपर रख के इस तरीके से पिनअप कर लेना है फैब्रिक को। तो देखिए यहाँ से भी हम इसे अच्छे से पिनअप कर लेंगे। ये बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तभी भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है आपको काउल स्लीव बनाने के लिए। देखिए यहाँ से रखा, यहाँ से भी हम इसे पिनअप कर लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरे साइड का भी ऐसे ही काउल बना लेना है। आप देख सकते हो हाफ काउल बन गई है मेरी, कितनी ब्यूटीफुल सी लुक आ रहा है इसका। तो इसको हम हाथ से इसको अच्छे से ठीक कर लेंगे पहले। देखिए इस तरीके से रखेंगे और दूसरे साइड पे भी हमें सेम ऐसे ही बना लेना है। फर्स्ट निशान को नहीं करना हमें, फर्स्ट निशान और सेकंड निशान को कुछ नहीं करेंगे, जो थर्ड वाला हमने निशान लगाया है उसको हमें फर्स्ट वाले के ऊपर रखना है। जो थर्ड वाला निशान था कट था उसको हमें फर्स्ट वाले कट के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हमें पिनअप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पिनअप कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ से हमने इसे पिनअप कर लिया। ऐसे ही हमें अब इसके बाद हमें जो फर्स्ट निशान को नहीं लेना, सेकंड वाले जो कट है उसको हम लेंगे और इसके ऊपर रख के, फैब्रिक के ऊपर रख के थोड़ा सा कवर करेंगे और यहाँ पे भी हमें इसे पिनअप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे भी इसे पिनअप कर लेती हूँ। देखिए यहाँ से मैंने पिनअप कर लिया। अब ऐसे ही हमें फर्स्ट निशान को नहीं लेना, सेकेंड वाला जो निशान है उसको हम इस तरीके से रखेंगे और फैब्रिक के ऊपर रखना है और इसको भी हम यहाँ से पिनअप कर लेंगे। देखिए यहाँ से भी इसे भी मैंने पिनअप कर लिया। इसके बाद जो लास्ट में बचता है, लास्ट वाला जो कट था उसको हम लेंगे और हमें इस फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रखना है और इसको हम अच्छे से पहले एडजस्ट करेंगे क्योंकि जो सारे काउल है उसको एक बराबर से मिलना चाहिए। तो इसका ध्यान रखते हुए आपको ये जो है लास्ट वाला भी इसी तरीके से बना लेना है। इसमें 4 से 5 काउल बनती हैं, बहुत ही देखने में अच्छी लगती है। ये मैंने शॉर्ट स्लीव बनाई है, अगर आप चाहें तो इसी मेथड से ही लॉन्ग स्लीव भी बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। देखिए इस तरीके से मैंने पिनअप कर लिया, आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल से इसमें काउल बन के आया है। और नीचे साइड से भी देख सकते हो, अब इसका जो बॉटम है वो भी देख रहे हो आप कितनी अच्छे तरीके से बना हुआ है। तो बहुत ईजी मैथड है, आप फैब्रिक पर सीधे इस तरीके से रख के बना सकते हैं, ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए इसका मिड निकाला था मैंने, यहाँ से हमने देख लेना है। आर्म होल के लिए मैंने 8 इंच रखा था, तो ये देखिए 8 इंच पे बन के आया है, मतलब जो हमने बनाई है काउल वो बहुत सही से बन के आई है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये बहुत ही आसानी से बना लिया। हम देखा हमने कितना कम टाइम में ही हमने ये काउल स्लीव का है बना लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ ऊपर साइड पर एक और छोटा सा काउल बना सकते हैं इस तरीके से रख के। तो देखिए इस तरीके से हमने ये बना लेनी है, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसके बॉटम पे आप चाहें तो लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, अगर आपको इसको लेस लगा के डेकोरेट करना हो तो। मैं जो स्लीव की लेंथ दिखा देती हूँ आपको कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो ये 12 इंच की है। आपको इसकी लेंथ अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख लेनी है। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सो मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो के इसके साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।